हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके पैशन दीपक पैलजी क्लास एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल जो पोस्ट निकाली गई है NIE में, उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अब तो मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो अगर आप मेरे चैनल को पे कोई यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको टाइप करना है दीपक पैलजी क्लास एंड जॉब स्टेलर। जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब स्टेलर नोटिफिकेशन, साथ ही साथ जो बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट उनके वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप इसे और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आया ICMR की तरफ से, आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी में। तो यहाँ पर एक वॉकिंग इंटरव्यू और रिटन टेस्ट आपका होगा। अगर कैंडिडेट, वो डिपेंड करता है कैंडिडेट कितने, तो कैंडिडेट की बेस पे जो है यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है, आपका वॉकिंग इंटरव्यू भी हो सकता है। तो कैंडिडेट आर इन्वाइटेड टू अटेंड वॉकिंग इंटरव्यू बिटवीन 9:30 AM टू 12:10 AM फॉर प्रोजेक्ट पोस्ट अंडर द वेरियस प्रोजेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये सारी पोस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द पोस्ट कंसल्टेंट एपिडेमियोलॉजी, डेट ऑफ इंटरव्यू 04/02 यानी कि आपस 4 फरवरी 2022, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में है। ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका ICMR NIE रहेगा। इस क्वालिफिकेशन आपका MD MAE MPA डिग्री आफ्टर MBBS विद रिलेवेंट R&D एक्सपीरियंस एंड पब्लिश पेपर्स। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका R&D एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ में। इसके अलावा आपको जो सैलरी दी जाएगी वो 1 लाख पर मंथ दी जाएगी। एज लिमिट 70 ईयर्स। ठीक है, इसका नेचर ऑफ ड्यूटी भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। ड्यूरेशन रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो आपको यहाँ पे 12 मंथ्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा। इसका दूसरा जो जूनियर कंसल्टेंट एपिडेमोलॉजी का है, तो यहाँ पे जो आपको एमोलूमेंट दिया जाएगा वो 20,000 पर मंथ रहेगा, इसका भी ड्यूरेशन 12 मंथ है। इसके अलावा प्रोजेक्ट साइंटिस्ट भी मेडिकल की पोस्ट है, तो यहाँ पे जो है इन्होंने जो आपको रेमुनरेशन दिया जाएगा वो दिया जाएगा 61,000 प्लस HRA पर मंथ। एज लिमिट 35 ईयर्स। नेचर ऑफ ड्यूटी मेंशन कर रखा है, ड्यूरेशन 6 मंथ्स। इसके अलावा प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर, तो यहाँ पे जो आपको लाइक रेमुनरेशन दिया जाएगा वो 32,000 पर मंथ और जो आपका ड्यूरेशन रहेगा वो 6 मंथ रहेगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है नंबर नेम और पोस्ट है, या डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट निकाली गई और जो यहाँ पे जो आपको पूरा क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपका इंटरव्यू की क्या डेट है, आपके नंबर ऑफ पोस्ट क्या है और किस कैटेगरी में पोस्ट निकाली गई, तो सारा यहाँ पे जो है आपको क्लियरली दे रखा है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं आप उसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए लाइक एलिजिबल हैं आप उसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर वॉकिंग इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म विद कुला फिलअप करना है और साथ ही साथ जो है आपको 1 सेट ऑफ फोटो कॉपी ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड अदर टेस्टिमोनियल्स भी आपको यहाँ पे लाना है। ठीक है, कैंडिडेट शुड सबमिट ऑल सर्टिफिकेट टेस्टिमोनी ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको वो आपके जितने भी ओरिजिनल सबमिट लाइक डॉक्यूमेंट वो भी सबमिट करने पड़ेंगे वेरिफिकेशन के लिए। एज रिलैक्सेशन जो आपको OBC ST कैंडिडेट को दिया जाता है वो सारा यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ से NOC लेना पड़ेगा इस जॉब को लेने के लिए। यहाँ पे आपको कोई भी TA DA जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो डेट ऑफ वॉकिंग इंटरव्यू जो है वो चेंज भी हो सकती है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो आपको जो है ICMR NIE की जो ऑफिशियल वेबसाइट उसे रेगुलरली चेक करते रहना है और इंटरव्यू डेट से 1 दिन पहले भी आप उसे चेक करिएगा, ताकि अगर वहाँ पे कोई भी जो है इंटरव्यू डेट अगर चेंज होती है तो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि आप जो है ICMR NIE की जो वेबसाइट है उसे चेक करते रहिए बिफोर कमिंग फॉर इंटरव्यू। ठीक है, तो इसके बाद ये जो एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने दे रखा है तो आपको ये फॉर्म को फिलअप करना है। उसके साथ आपके स्कैन, आपके जो लाइक जीरोक्स कॉपी रहेगी, आपका हार्ड कॉपी रहेगी, आपके स्कैन आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की वो भी आपको जो है इसको देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको जो है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।